अस्सलामुअलैकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी का बैलेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट है। इस वक्त तक भी इसकी जो फाइनल डेट है बैलेटिंग के इस तमाम प्रोसेस की वो है 28 फरवरी तक। अब इसका क्राइटेरिया सब लोगों को ऑलरेडी पता है। बहुत सारी रश देखी है हमने लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग के ऊपर, और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहा जाए एक बैलेटिंग का प्रोसेस हुआ है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जिन लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है, तो 40% जिन लोगों के ऑलरेडी पेमेंट्स ड्यूज क्लियर थे, उन लोगों को जो प्लॉट नंबर है उनकी फाइल के ऊपर लग जाएगा, जिनकी लेजर अपडेटेड है, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी जाएगी उनको। अब यहाँ पर इसके बाद जिन लोगों की 50% अब ड्यूज क्लियर हैं, उन लोगों वो लोग खुद जाके अपना लाहौर स्मार्ट सिटी के प्लॉट को चूज़ कर सकते हैं कि उनको कॉर्नर प्लॉट चाहिए, फ्रंट फेसिंग चाहिए, या फिर जो भी प्लॉट है वो लोग खुद क्राइटेरिया के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने तिराल प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी बुकिंग्स करवाई हैं, उन लोगों को हम लोग खुद एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके दे रहे हैं। अगर आपका लेजर अपडेटेड है तो आप लोग अभी भी आ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिली एक्नॉलेजमेंट स्लिप तो आप आके तिराल प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से उसको के थ्रू उसको हासिल कर सकते हैं। अब लाहौर स्मार्ट सिटी ने रिकॉर्डेड मुद्दत के अंदर आपको डेवलपमेंट करके दिखाई। उसके बाद बैलेटिंग प्रोसेस उन्होंने जिस तरह से प्रॉमिस किया था वो भी फुलफिल किया। और जब बैलेटिंग का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपकी फाइल के ऊपर प्लॉट नंबर अलॉट हो जाता है, आप लोग डायरेक्ट मूव करते हो घर बनाने की तरफ। अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, दैट्स व्हाई लाहौर स्मार्ट सिटी की अब जो वैल्यू है वो मजीद बढ़ चुकी है। जिन लोगों ने भी अब आप लोग जाके डायरेक्ट भी प्लॉट ले सकते हो, और उसके अंदर फिर आपका जो प्रोसेस है वो घर बनाने की तरफ हो जाएगा। क्योंकि बस दफ़ा लोगों को होता है कि अगर आप फाइल लेंगे तो पता नहीं आपका कब प्लॉट नंबर आएगा, और ये जितना प्रोसेस आपको हेक्टिक लगता है वो लाहौर स्मार्ट सिटी ने उसको कट डाउन कर दिया है, और अब आप डायरेक्ट घर बनाने की तरफ मूव करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। उसी तरह से आपकी जो रेट्स हैं उसके ऊपर भी अफेक्ट आएगा, और जो आपकी डिमांड है लाहौर स्मार्ट सिटी की वो भी मार्केट के अंदर बढ़ती चली जा रही है। अब हम लोग आपको बताते हैं इसका पेमेंट प्लान क्या है, क्या क्या कैटेगरीज हैं, और किस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है, अभी आप किस तरह किस वैल्यू के ऊपर इसको परचेज कर सकते हैं, और फ्यूचर में रेट्स भी रिवाइज होने वाले हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं घर बनाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कि आप आएँ प्लॉट लें घर बनाएं, तो लाहौर स्मार्ट सिटी से बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई और आपको इस वक्त सोसाइटी मिलेगी। लाहौर स्मार्ट सिटी का 3 साल का पेमेंट प्लान है। इसको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। इसका पूरा पेमेंट प्लान आपसे शेयर कर लेते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर हमारे पास 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब हमारे पास जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में 5 मरला है, उसकी टोटल अमाउंट है हमारे पास 26,85,000 रुपये, और उसके बाद जो ओवरसीज़ प्लॉट हैं उसके अंदर इसकी कुल कीमत है 28,45,000 रुपये। 7 मरला की जो कुल कीमत आ रही है एग्जेक्टिव ब्लॉक में वो है 34,90,000 रुपये। ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जो 7 मरला की कीमत है वो है 37,00,000 रुपये। इसी तरह से जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर जो आपका 10 मरला है उसकी कीमत आ रही है 49,45,000 रुपये, और ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आ रही है 53,25,000 रुपये। 12 मरला एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आ रहा है हमारे पास 54,25,000 रुपये, और ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आ रहा है 57,50,000 रुपये। 1 कनाल के अंदर जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर प्लॉट आ रहा है वो आ रहा है आपका 80,50,000 रुपये में, और ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आ रहा है 84,90,000 रुपये में। अब ये आप बुकिंग करवा सकते हैं सिर्फ 20% से। आपने इन तमाम जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक हैं, इनकी बुकिंग आपने देनी है 20%, फिर आपकी जो कंफर्मेशन होगी उसके बाद आपका एक इंस्टॉलमेंट प्लान रन होगा, जिसके बाद आप लोग अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपके बैलेटिंग का भी जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से ये बैलेटिंग प्रोसेस हो रहा है, आप अपनी पेमेंट्स को जल्द अज़ जल्द क्लियर करें, बैलेटिंग का पार्ट बने, क्योंकि अब लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर घर बनने जा रहे हैं, और फिर ये बार बार आपके पास ये मौका नहीं आने वाला। और ये हाईली एक एलीट सोसाइटी है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, आपको ऑलरेडी पता है कितना हसल होता है लाहौर के अंदर। और फिर अगर आपको इस तरह की अगर एक पुरसकून जगह मिल रही है रिहाइश के लिए, वो भी लाहौर जैसी जगह के ऊपर उस हसल एंड बसल के अंदर, तो आपको फ़ौरन उस जगह को ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर इस तरह से ज़्यादा मजीद नहीं रहेगी। और जिस तरह से एक्सपैंड हो रहे हैं शहर सोसाइटीज़, और फिर इनकी वैल्यूज़ और मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आप चाह रहे हैं बुकिंग करवाना, तो अभी
आप लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आके अपनी पेमेंट को पेमेंट करवाएं, जल्दी से क्लियर करवाएं अपनी सारी बुकिंग की चीज़ें, बैलेटिंग का पार्ट भरें, घर बनाने की तरफ मूव करें। और मज़ीद आपकी कोई भी क्वेरी जनरेट हो रही है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, और अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग करवाई है तजारत प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से, तो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी तरह डिटेल के लिए जस्ट स्क्रीन पर देंगे नंबर पर हमसे रब्ता करें। और मज़ीद कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।